लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। संभावना है कि इस हफ्ते में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। इस बीच बिहार की सीट शेयरिंग का मामला अभी भी उलझा हुआ लग रहा है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या विपक्षी इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है, उनके मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर आ गई है। आरजेडी ने सूबे की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटें ऑफर की, बाकी 3 सीटें लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ने की बात की है। कांग्रेस 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। बिहार कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 16 मार्च को होने जा रही है। इस बैठक पे सभी की नजरें हैं, लेकिन चर्चा अब इसे लेकर भी हो रही है कि आरजेडी की 30 सीटों पर दावेदारी का गणित क्या है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। दरअसल इसके पीछे 2020 के चुनावी नतीजे हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सूबे की 243 में से 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन महागठबंधन की गाड़ी 110 सीटों तक ही पहुंच सकी थी। कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीट ही जीत सकी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2020 के बिहार चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आते आते रह गया, तो इसके लिए भी आरजेडी कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती है। आरजेडी नेताओं को अभी भी लगता है कि अगर कांग्रेस ने 70 सीटों की जिद नहीं पकड़ी होती तो इनमें से आधी सीटों पर लालटेन के सिंबल पर उम्मीदवार उतरे होते और तेजस्वी सरकार का सपना 2020 में ही साकार हो गया होता। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी भी हाल में कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीटें देने और खुद 25 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में नहीं है। आरजेडी के नेतृत्व वाले बिहार के महागठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़े। 2019 के चुनाव में आरजेडी के हिस्से 20 सीटें आईं, हालांकि पार्टी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और अपने कोटे की एक सीट भकपा माले को दे दी थी। तब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 5, जीतन राम मांझी की पार्टी ने 3 और मुकेश सहानी की पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था।